नॉर्दर्न रेलवे ने स्क्रैप यानी कबाड़ की बिक्री से 402 करोड़ रुपए कमाने का रिकॉर्ड बनाया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सितंबर 2021 में 200 करोड़, अक्टूबर 2021 में 300 करोड़ और दिसंबर 2021 में 400 करोड़ रुपए की स्क्रैप सेल करके प्रोडक्शन यूनिट में फर्स्ट पोजीशन बना ली है। रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे को दिसंबर में 370 करोड़ रुपए की स्क्रैप सेल का टारगेट दिया था, जिसे नॉर्दर्न रेलवे ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल करके वो टारगेट हासिल कर लिया। नॉर्दर्न रेलवे दूसरे जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट में सबसे आगे है। इंडियन रेलवे के लिए स्क्रैप डिस्पोजल एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। स्क्रैप से रेवेन्यू अर्न करने के अलावा ये वर्क प्रेमिसेस को साफ सुथरा रखने में भी मदद करता है। रेलवे लाइंस के आसपास ट्रेन की पटरियों के टुकड़े, स्लीपर्स, ड्राइवर्स के पड़े रहने से सेफ्टी रिस्क रहता है। इसी तरह यूज में नहीं आने वाले स्ट्रक्चर्स जैसे पानी की टंकियां, कैबिनों, क्वार्टर्स और अदर कंस्ट्रक्शन के मिस यूज के चांसेस होते हैं। नॉर्दर्न रेलवे जीरो स्क्रैप स्टेटस हासिल करने और इस फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट स्क्रैप सेल्स रिकॉर्ड हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम करते हुए अपने कैंपस को क्लीन बनाने के लिए कमिटेड है। नॉर्दर्न रेलवे अपने यूजर्स को सेफ, इजी एंड इफेक्टिव सर्विस देने के लिए कमिटेड है। नॉर्दर्न रेलवे की स्क्रैप सेल्स पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।